गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मुझे कुछ काम था तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाके आते हैं। आज आसमान बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे स्काई को देखते रहना बहुत पसंद है, खासकर जब ऐसा मौसम हो तो। पहुंच गई हूँ गांधी चौक और मेरी रूममेट को कुछ अलग काम था तो वो अपना काम करने गई है, तो जब तक कि वो आती है तो मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ। ये है गांधी चौक, उस चौक को जो सामने दिख रहा है उस चौक को गांधी चौक बोलते हैं, और इसके आसपास सारे लोकल मार्केट्स हैं और काफ़ी ओल्ड मार्केट्स भी हैं। तो अब आगे हम बाइक पार्किंग, और हमने अपनी बाइक कर दी है पार्क और अब हम जा रहे हैं LBS मार्केट, बिकॉज LBS मार्केट में ही काम है हमें। ये LBS मार्केट जो है ये एक लोकल मार्केट है, लोकल ओपन मार्केट है। यहाँ पे हर तरीके का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन से लेकर के हर एक चीज़, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो इसको हम सस्ता मार्केट बोल सकते हैं, काफ़ी सस्ती दामों में चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे काफ़ी पैसे वेस्ट हो गए थे इस मार्केट में, क्योंकि पता ही नहीं था कि बार्गेनिंग करनी होती है यहाँ। ये शॉप्स हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ के, जो कि बहुत कम रेंज में मिल जाता है, लेकिन बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और सारे जो यहाँ के लोकल औरतें हैं या लड़कियाँ हैं, वो सब यहीं से चीज़ें लेती हैं और कम रेंज में मिल जाती। मैं देख रही थी बैंगल्स, वैसे तो मुझे इतना शौक़ नहीं है बैंगल्स या ज्वेलरीज का, बट ये काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैं सोचा कि ले लूँ। ये मैं ट्राई करके देख रही थी कि मेरे हाथ में कैसा लग रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने इनमें से एक सेट ले लिया। जिनको भी पसंद है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का, वो आकर के यहाँ पे ले सकते हैं पार्टीज़ में या फिर वन डे टाइम के लिए। और हमारे मेरे कॉलेज से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेने। स्टार्ट हो गया क्लोथ एरिया, यहाँ पे साड़ियाँ और फ्रॉक्स, कुर्ते एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और क्वालिटी अच्छी भी होती है कभी कभी और लोकल भी हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं है, बट बहुत सारे लोग यहाँ से लेते हैं कपड़े।
comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. अब यहाँ से ये शुरू हो गया जूतों चप्पलों इन चीज़ों का शौक. एंड ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं. ये उनके लिए बेस्ट है जिन लड़कियों को लाइक रेगुलर सेम शूज़ या सेम सैंडल्स पहनने की आदत ना हो, हर रोज़ रेगुलर डिफरेंट पहनने का मन करता हो, उनके लिए बेस्ट है. कम रेंज में मिल जाता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि इन भैया के शॉप पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक दो बार गई हूँ, तो इसीलिए उनको बोला कि मैंने कि ज़रा मेरे चैनल को हाई कर दीजिए. और रेट्स का 550 का है. रेट्स का पता कर रही थी, ये 550 का बता रहे हैं पेयर्स, लेकिन ये नॉर्मली 250 एंड 200 तक मिल जाता है, 250 टू 70 तक मिल जाता है. और काफ़ी लाइक एक डेढ़ महीने के लिए या फिर कभी कभार बीच में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है ये, मतलब चल जाते हैं. और अगर किसी को बहुत शौक़ है डिफरेंट डिफरेंट शूज़ या सैंडल्स पहनने का, तो बेस्ट है ये. इसका रेंज कितना है? अच्छा, ये अब मैं निकल गई LBS मार्केट से एंड अब मैं जा रही हूँ आपको यहाँ का वेजिटेबल मार्केट दिखाने. वैसे तो मुझे कुछ खास काम नहीं है, बस फ्रूट्स थोड़े लेने थे, तो मैं सोचा कि पूरा वेजिटेबल मार्केट का भी ब्लॉग बना दूँ. होप आप लोगों को पसंद आएगा. और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जितना आप लोगों से हो सके. के शॉप्स हैं जिसमें मोबाइल का कलर एंड दूसरी चीज़ें मिलती हैं. ये पूरा ऊपर का फ्लोर ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलती हैं. ये मेरा एक्चुअली जो मसाजर है ये ख़राब हो गया था, तो मैं इसको रिपेयर कराने के लिए लाई थी और इन्होंने अच्छे से रिपेयर भी कर दिया और ये सही भी हो गया. ऊपर से मार्केट का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कैप्चर कर लूँ. सो आप भी बताना चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी. वो मेडिकल टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें सारे मेडिकल टॉपिक्स मैं अपलोड करती हूँ. तो प्लीज़ जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं एक बार चेक कर लें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. बस तो अभी तो मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ मेडिकल टॉपिक्स के चैनल में, बट इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों बाद जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर डालूँगी. तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा.